जब भारत में होगा राम मंदिर का उद्घाटन, उस दिन क्या करेगा पूरा पाकिस्तान? 22 जनवरी का प्लान हो गया लीक। इधर मोदी ने देश भर में किया छुट्टी का ऐलान, उधर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बनाया गया बड़ा कमांड सेंटर। पाकिस्तानी आवाम ने राम मंदिर पर ऐसा क्या कहा? जेल में बंद इमरान खान ने बुला ली वकीलों की फौज, होगा खेल। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तब पूरा पाकिस्तान क्या करेगा, इसका प्लान लीक हो गया है। वहां से आए शरणार्थी हिंदू हिंदुस्तान में ही भगवान राम के नाम के दिए जलाएंगे, वहां बसे हिंदू भी पूजा पाठ करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी ISI कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कमांड सेंटर बनवा रही है। अब आप सोचेंगे कि क्या अयोध्या की अवैध सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में कमांड सेंटर बन रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण कुछ और है, जिसके बारे में बताएं। उससे पहले भगवान राम की तस्वीर के दर्शन कर लीजिए। चांदी से बनी ये मूर्ति शहर भ्रमण के लिए गई थी, क्योंकि जो मूर्ति अंदर स्थापित होनी थी उसका वजन 200 किलो के आसपास था, इसीलिए पूरे शहर में वो मूर्ति नहीं घुमाई गई, बल्कि प्रतीकात्मक मूर्ति घुमाई गई। उसके बाद 18 जनवरी को क्रेन के सहारे करीब 200 किलो की मूर्ति राम मंदिर लाई गई और 4 घंटे की विधि विधान के बाद मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। लेकिन अभी मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है, जो 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों खुलेगी। लेकिन इधर मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा, उधर पाकिस्तान में अलग प्लानिंग चल रही होगी। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया, 22 जनवरी को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में बैठे सोशल मीडिया हैंडलर प्लान 22 हैशटैग का खेल रच रहे हैं। ISI ने करीब 3 दर्जन लोगों को सोशल मीडिया पर राम मंदिर के खिलाफ माहौल बनाने का काम दिया है। इसी के तहत आपके पास ऐसी जानकारियां पहुंच रही हैं कि राम मंदिर तय जगह से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त शुभ नहीं है, जबकि ये सारे दावे पूरी तरह से गलत है। CM योगी ने भी साफ कर दिया है कि मंदिर बिल्कुल सही जगह पर बन रहा है और इसी बात से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पर वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल पाकिस्तान का हो गया है। आज पाकिस्तान की आवाम वहाँ की सरकार से ये भी पूछ रही है कि मोदी जी ने तो राम मंदिर बनवा दिया, आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया? जबकि इमरान खान को हीरो मानने वाले कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर आज इमरान खान प्रधानमंत्री होते तो मंदिर नहीं बन पाता। हालांकि इन दावों का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने मन को सांत्वना देने वाली बात है। वैसे भी राम मंदिर भारत में नहीं बनता तो क्या पाकिस्तान में बनता, ये सवाल कई लोग पहले पूछते थे, पर अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मोदी सरकार ने अब उस दिन छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए लेटर में कहा गया है, कर्मचारियों की भारी भावना और उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन की छुट्टी रहेगी, ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देख सकें। हालांकि प्राइवेट कंपनियों में छुट्टी की उम्मीद कम है, पर हर जगह लाइव प्रसारण देखने का इंतजार जरूर होना चाहिए और पाकिस्तान की प्लानिंग फेल करने के लिए तो भारतीय जवान पहले से मुस्तैद हैं। हाँ, फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है।